पुरी सहरवासी जमी मालिकाना विवाद तुटिबार आशा संचार होइछि। जमी मालिकाना नहीं श्रीमंदिर प्रशासन जारी करथिबा यूनिफॉर्म पॉलिसी को सरल करने को सहरवासी को 5T सचिव बीके पांडियान सोमवार दिन आश्वासना देछन्ति। जमी मालिकाना चूड़ांत करने को गठित श्रीमंदिर जमी सब कमिटी जिला स्तरीय जमी सब कमिटी और राज्य स्तरीय जमी कमिटी पाखक एणिकी आउ दरखास्त जीव ना। पुरी जिलापाल सीधा ही जमी दरखास्त को चूड़ांत करेंगे। यूनिफॉर्म पॉलिसी रही जमी दर को पुनः विचार कर आभास मिली। पुरी सहर बाहर जमी और सहर से 10 डिसमिल अधिक तथा व्यावसायिक अनुष्ठान जमी क्षेत्र में यह निष्पत्ति लागू होना। सूचना योग्य 2003 यूनिफॉर्म पॉलिसी रे 10 वर्ष 15 वर्ष और 25 वर्ष भोग दखल रही जमी मालिकों को सामिल कर पॉलिसी रे 25 वर्ष भोग दखल लोक मैंने डिसमिल प्रति 3000 15 वर्ष दखल लोक 4000 और 10 वर्ष भोग दखल आवेदनकारी 6000 टंका जमी मूल्य देवा निष्पत्ति। यापर पुणि थे यूनिफॉर्म पॉलिसी को 2019 संशोधन करा संशोधित पॉलिसी रे 3 वर्गर जमी दर को 2 गुण तथापि जमी मालिकाना दरखास्त चूड़ांत हो पारिनी। राजधानी में मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में सोमवार दिन अनुष्ठित वीडियो कॉन्फ्रेंस रे 5T सचिव समेत पुरीर विभिन्न संगठन सेवक प्रतिनिधि श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य उपजिलापाल भवतारण साहू एवं बीजेडी रो राज्य सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास प्रमुख जोग देते। सूचना योग्य जे हजार हजार संख्या रे सहरवासी यूनिफॉर्म पॉलिसी आधार रे जमी किनिबा को आवेदन करिसेंति। लोक माने भोग दखल रे थिबा घर जमी को कोर्ट आदेश दर्शाई महाप्रभु नाम रेकर्ड करा जायछि। यूनिफॉर्म पॉलिसी आधार रे एही जमी को पुणि थरे किनिबा को मंदिर प्रशासन नोटिस देछि। वर्तमान सुधा 7000 रु अधिक दरखास्त विचाराधीन रहिछि। खबर अनुसार राज्य रे विभिन्न अंचल रे एही विवाद रे फसिछन्ति प्राय 80000 परिवार। पुरी सहर रु केवल 25000 परिवार अछन्ति। बैठक रे जोग देथिबा पुरी भू संपत्ति सुरक्षा परिषद कर्मकर्ताक समेत किछि अनुष्ठान 2003 यूनिफॉर्म पॉलिसी को कार्यकारी कॉलेज निमंत्र प्रस्ताव प्रदान करथिबा बळे अन्य किछि प्रतिनिधि बिना मूल्य रे जमी मालिकाना लोकक नाम रे चूड़ांत करबा को दाबी करिछन्ति। देखंतु हमर 2002 रु ए आंदोलन आरंभ होइथिला पुरी जिला भू संपत्ति सुरक्षा परिषद नाम आम दीर्घ दिन धरी आंदोलन करके आसलु एवं मझेरे मुख्यमंत्री को दुई थर आम भेटीलु किंतु से सब शीतल भंडार रही जाता। गत किछि मास तले पुरी सांसद पिनाकी मिश्र आम सांगे सर्किट हाउस आलोचना करते आम कौभिया भाव में सरलीकरण कले पुरी सहर 80000 बासिंदा जो मैंने के जो मैंने मठ संपत्ति किणकि रही से पट्टा पाई ना ताकू करा जीवो से विषय आलोचना कराइला। गत काली सब कलेक्टर महोदय फोन पाई आम भुवनेश्वर जाइलु भू संपत्ति सुरक्षा परिषद 4 जणिया प्रतिनिधि दल जाइलु एवं मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में संध्या 5टा समय आलोचना करा जाइला एवं ए आलोचन 5T सचिव पांडियान जोग देते प्रणव प्रकाश दास जोग देते से आम प्रथम कही गोटे जिनस कहीलु जे आईन आईन विषय कौन सी तर्जमा करा न जाऊ आमर गोटे जिनस जो कर यूनिफॉर्म पुलिस वन 4500 6500 एवं आपणकर 8500 सेटा को आप स्टैंड करूँ एवं तादेरे आपण रिड्यूस कर दिंतु। सेकेंड यूनिफॉर्म पुलिस जो आप डबल कर मंदिर परिचालना कमिटी तर हूँ पास कर आप्रुवाल फ्रम ल डिपार्टमेंट ताकू आम समर्थन करूँ। फास्ट यूनिफॉर्म पॉलिस आप रिड्यूस करी आप 2000 टका लेखे कर दिंतु समस्त हूँ देदेवे जगन्नाथ को समस्त आपंकर पटा कर दिंतु। द्वितीय कथा आम कहलु जो मंदिर परिचालना कमिटर जो लैंड कमिटी अच्छी तापर दायित्व न्यस्त न करी जिलापा दायित्व दि जाऊ जो मानकर अप टू 10 डिसमिल से 10 डिसमिल जिलापा हूँ जिते मंदिर अफिश्रे पैसा डिपोज करके आसवे जिलापा देखेबे और जिलापा से फैसला करटा करंतु जोटा कि 80000 परिवार रक्षा पाई आज की 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष होगा घर कर 2 डिसमिल 4 डिसमिल मॉर्गेज कर पार ना लोन आनी पार ना लैंड ट्रांसफर कर पार ना तेणु ये जिनस को आप अग्राधिकार देवाई भू संपत्ति सुरक्षा परिषद अनुरोध करंडियान प्रतिश्रुति दे देखु पूरी जिला कथा नुह मु पूरी सहरटा आगे टेकअप करी और पूरी सहरटा बर्तमान ड्राफ्ट होटा कि सरलीकरण मध्यम 80000 परिवार तांकर दाबी पाइपारे एवं जिते ड्राफ्टिंग करेंगे से भूसंप आम दाबी रहा भूसंपत्ति सुरक्षा परिषद 4 जणिया प्रतिनिधि दल से ड्राफ्ट देखिए और बबि दास भी राजी हेले तापर आम से कार्यक्रम सरला से आमको चिठी मध्यम जिला प्रशासन सब कलेक्टर मध्यम जनइबे केवे ड्राफ्टिंग करेंगे आमको जनइले आम जा
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆବାହକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସହରର ଜମି ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପୁରୀର ଏବଂ ଆଖପାଖର 80,000 ପରିବାରଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ନହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ। 1983 ମସିହା ଏବଂ 1991 ମସିହାର ରାଜସ୍ୱ ପାର୍ଷଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ ପୁରୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 80,000 ଲୋକଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ପଳେଇଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସେଲ୍ଡିଡ୍ ଅଛି, ବିକ୍ରି କବଲା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସରକାରୀ କବଲା ରହିଛି, ସ୍ଥିତିବାନ ପଟା ରହିଛି, ପାଉତି ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଋଣ ଟିକେ କରିପାରୁନି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୋଇପାରୁନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା, ମୁଁ ବନ୍ଧକ ଦେଇପାରୁନି ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଜମି, ତ ମୁଁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବି କେମିତିକା? ମୋର ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଲା ମୋତେ ସରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଲେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟିକସ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ମୋତେ କେହି ରୋକିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ କାହିଁକି ମାନେ କେହି ରୋକିନଥିଲେ, ତ ଏଇ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ରୋକାଯାଉଛି ଏଇ ଜମିକୁ ନେଇକି ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ 80,000 ପରିବାରଙ୍କର ଏ ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, କେସ୍ ଖାଇଛୁ, ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସହିଗଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଆସି ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦେଲୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର 80,000 ପରିବାରଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁକୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରୁ ହେବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ସେ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।